वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल, मैं राकेश कुमार। आज के वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा डीडी फ्रीडीज के 43E ऑक्शन के बारे में। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं डीडी फ्रीडीज 43E ऑक्शन करने जा रहा है, जो कि जनवरी में ही होगा। पूरी जानकारी के लिए बने रहे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों बता दूं, डीडी फ्रीडीज 43E ऑक्शन जो है होने जा रहा है आपको 22 जनवरी को। 22 जनवरी पे डीडी फ्रीडीज का ई ऑक्शन होगा, जिसपे एमपीजी 4 स्लॉट के लिए बेसिकली किया जा रहा है। और इसमें जो चैनल सिलेक्ट होंगे वो आपको देखने को मिलेगा 1 फरवरी से लेकर 14 मई तक। 1 फरवरी से लेकर 14 मई तक आपको चैनल देखने को मिलेंगे। और साथ ही दोस्तों बता दूं, डीडी फ्रीडीज का ये जो 43 ऑप्शन है, इसमें आपको ब्रॉडकास्टर के पेड चैनल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि स्टार उत्सव, सोनी पल, सोनी वाह, जी अनमोल सिनेमा जैसे चैनल्स पार्टिसिपेट कर सकता है। क्योंकि ट्राई के नए रूल आने के बाद से इन सभी चैनलों को डीडी फ्रीडीज के प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया था, जिसकी वजह से इनके चैनलों की टीआरपी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी। और एक बार फिर से उम्मीद लगाया जा रहा है कि इन चैनलों को डीडी फ्रीडीज के प्लेटफॉर्म पे ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है और एमपीजी 4 स्लॉट में ये चैनल सेलेक्ट हो सकता है। तभी कोई ऑफिशियल तो नहीं है, बट ये एक उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर यहाँ पे चाहेंगे इन चैनलों के टीआरपी रेट इंक्रीज़ करने के लिए, डीडी फ्रीडीज के प्लेटफॉर्म पर ऐड करने के लिए। तो ये आपको 22 जनवरी को क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से चैनल्स आपको डीडी फ्रीडीज के प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा। तो ये अपडेट आया दोस्तों, उम्मीद है इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स लॉट।